अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं पोलो ग्राउंड क्रिकेट खेलने, और अभी मैं सो के उठाऊँ और कितने 8:30 हो रहे हैं, सही है 7:45 हो रहे हैं। तो फिर आपको नीचे जाके मिलते हैं, वहाँ थोड़ा धोते फिर आपको नीचे जाके मिलते हैं। तो गाइज अभी नीचे उतर रहे हैं, कपड़े भी बदल लिए हैं, तो वो भी चलते हैं देखते हैं नीचे बॉयज बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए। और गैस फुल स्कूल वाला मौसम हो रहा है इस टाइम पे, गैस हम लोग स्कूल जा रहे होते थे लेकिन आज ही तो आ गए, फर्क बस इतने, लेकिन इस टाइम पे हम लोग सच्ची से स्कूल जा रहे होते थे। तो यार अब देखते हैं क्या सीन होता है, और काफ़ी अच्छा हम लोग ग्राउंड जा रहे हैं मैच खेलने, तो आपको हर सीन दिखाएंगे। तो आज के व्लॉग होगा ना पूरा क्रिकेट व्लॉग होगा, तो आप यार इंजॉय करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको और क्रिकेट के व्लॉग चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा और क्रिकेट के व्लॉग डालूँ, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी ये रहे अपने भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक। तो ये अभी ये यही दिखे हैं, मुझे तो लगा यहाँ पे सारा माहौल बना होगा, सब बैठे होंगे, तो अभी तक यही लड़का दिखा है। और लड़के मिलते तो फिर आपसे मिलते हैं यार, अभी तक तो कोई आया नहीं, टीम का कैप्टन नहीं उतरा अभी, और हम लोग पहले से ही आ गए यहाँ पे, अब देखते हैं कितनी देर लगता है। और गैस एक टीम का कैप्टन भी आ चुके हैं, ये रहा देख सकते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? तो ये टीम का कैप्टन भी आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं आहिस्ते आहिस्ते लोग आते जा रहे हैं, हमारी महफिल में इजाफा कर रहे हैं, तो अभी और देखते हैं कितने लोग आते हैं। तफरियाँ कर रहे हैं इसके साथ, इसकी बहुत तफरी ली जा रही है गाइस, इसकी बहुत तफरी ली जा रही है। ये क्या बोलते हैं, ये सारे खड़े हुए हैं, ये भी बैठा है, ये एक और कलाकार है, और ये एक और भाई आ गया, कैसे हो भाई? ठीक हो? पहले कैसा है? सारे बंदे आ चुके, तो सारे तफरियां करते हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पे बेड शेड की बातें हो रही है, और आज काफ़ी पीसफुल माहौल हो रहा है, कोई भी और हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, यहाँ पे तो देखते हैं, अभी बहुत पीसफुल माहौल हो रहा है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है यार, अभी तो काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है, अभी चलते हैं। हरदर से निकल गए, हरदर पे हैं, और अभी कपड़ा मार्केट से होते हुए निकल जाएंगे कपड़ा उधर क्या बोलते हैं आई चंद्रीगढ़ की रोड की तरफ। तो यार व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि सीन बहुत अच्छे आने वाले, वो भोगता जा रहा है, वो देख तफरियाँ कर रहा है वो। ये होशियारी है, लोकल बल्ला लेकर आ गया साकी का, और यहाँ पे होशियारी कर रहे हैं, यहाँ पे गाइज लोकल बल्ले लेकर आ जाते हैं और अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं। आपको आगे मिलते हैं कहीं का भी, तुम इसके पास इसके पैसे निकाल लो यार, मैंने दे दिया हूँ। बोले ले रहे हैं, ये देखो सामने बोले चेक कर रहे हैं लोग सारे, बोले ले रहे हैं, फिर आपको तस्वीरें, और रिक्शे की सब चीज़ के पैसे भी जमा कर लिए, यार कंट्रीब्यूट करके करना पड़ता है ना, तो सब चीज़ के पैसे भी जमा कर लिए, और अब आपको सीन दिखाते हैं सारे के क्या क्या आगे होगा। कुछ लोग दिखाई दिए जो जा रहे हैं उसी ग्राउंड की तरफ, और वहाँ पे ट्राइंगल भी होते हैं बहुत सारे, यानी टूर्नामेंट भी होते हैं, तो यार लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मज़ा आने वाला है। ग्राउंड का नाम बता रहा था वो था पोलो ग्राउंड, तो यह रहा सामने सारी टीमें आ गई हैं पोलो ग्राउंड में, सारी टीमें, बहुत रश होगा, अभी रश नहीं इतना क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है ना, तो सुबह को बहुत रश हो जाएगा गाइस। ने पिच अभी यहाँ पे ले ली है, ये भी पिच ले ली नहीं है, मतलब यहाँ पे थी तो फिर ये वाली हम लोग इस पे पिच कर दी हमने।
अरे कहना क्या चाहते हो? फिर मैं जा रही हूँ, एक बॉल खेल लो उसके बाद। ये लोकल साकी लेकर आ गई और यहाँ पे शेरियाँ मार रहे। अगर ओरिजिनल होता फिर हम मानते भाई ये भी बंदा है कुछ। वैसे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना बेड भी लोकल ही। आपस की बात है, हम भी कुछ नहीं करते। जल्दी कर ले यार, अरे बहुत लंबी एक मिनट की वीडियो हो गई। आपस की बात है, हम भी कुछ नहीं करते। जल्दी कर ले यार, अरे बहुत लंबी एक मिनट की वीडियो हो गई। बोल लेने भागा है ये, आप देख पा रहे हो बोला को दिखाते हैं, ये रहा बोल लेने भागा है अभी। बोल लेने भागा है ये, आप देख पा रहे हो बोला अभी को दिखाते हैं, ये रहा बोल लेने भागा है अभी। मासूम सुजैन मुइस असद सुफियान सुफियान कौन है यार? बैटिंग बैटिंग ले पहले बॉलिंग कर, बॉलिंग बैटिंग आ गई है और एक लड़का ओपनर उतरा, मैं रनिंग तो देखते हैं कितना टारगेट हम लोग बना पाते हैं और कितना चेस कर पाते हैं और उसको डिफेंड करते हैं नहीं करते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं ये लोग डिस्कस कर लें बाउंड्री किधर सेट करनी है, फिर आपसे मिलते हैं। अरे लड़के शाबा, एक और है भागो शाबा। अरे दो गज वाइड, तीन गज वाइड, बड़ी नाजुक सूरत हाल हो गई। पेस बहुत गंदी आ रही है यार। ओह बाउंसर लग गया इसे।
क्या बोलते हैं, मैं आउट हो गया हूँ। 29 रन की हमने इनिंग खेली है, 3 ओवर में 29 रन की इनिंग खेली है, काफ़ी अच्छा खेला। तो यार कुछ कुछ शॉट मैं रिकॉर्ड पाया और कुछ कुछ नहीं कर पाया, तो अभी आ गया आपको मैच की सीन दिखाने की। गाइस पहले मैच की इनिंग ख़त्म हो गई है, पहली इनिंग ख़त्म हो गई और इतने शायद 8 ओवर से पहले पहले 6 ओवर में ऑल टीम आउट हो गई और 55 रन का टारगेट मिला है, यानी 55 रन का। तो देखते हैं हम चेस कर पाते नहीं कर पाते और डिफेंड कर पाते नहीं कर पाते, तो अभी आपको दिखाते हैं। गाइस ये 2 रन बच चुके हैं और हम लोग जीतने वाले हैं, और ये बहुत डिस्कसिंग चल रही है कि आउट नहीं होना, क्योंकि ये दोनों प्लेयर हैं और 1 प्लेयर का अलाउ नहीं है। तो ये अब बॉल चलने वाली और ये बॉल डिसाइड करेगी कौन जीता कौन हारा। ये बॉल आ रही है, बॉलर रेडी हो गए हैं और ये बॉल आई और ये भागे और फुल एक्स्ट्रा कराने, तो ये लोग भागे, बैट टच नहीं हुआ था। वैसे काफ़ी शानदार रनिंग करी है, अच्छा खेला काफ़ी, मुझे उम्मीद थी हमारी टीम जीतेगी। इस मैच में मैंने इतना अच्छा नहीं खेला इसलिए मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई, मैं डायरेक्ट ही आउट हो गया। अब बिलाल वही शॉर्ट हो जाए एक। गाइस ये हमारी टीम का कैप्टन है और ये फुल एक्स्ट्रा कराने हैं और जीत गए। आप क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? शाबाश देखा के क्या बोलते हैं, 2 रन चाहिए थे और हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग एक में 2 मैच जीते, हम लोग कितने मैच जीते, शायद 2 मैच जीते एक हारे, तो वो भी शायद फाइनल कर रहे हैं लोग, अब पता नहीं है, तो अभी देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब तो शरबत पी रहे हैं गाइस, हमने भी पिया लेकिन अभी नहीं पियेंगे क्योंकि मैं तो बैठा हुआ था, मैं आउट हो गया, तो हमारी बॉलिंग साइड थी क्या बोलते हैं बैटिंग साइड थी, बैठा हुआ प्यास नहीं लगी। हमारा ये 3रा मैच है, वो मैंने आपको गलती से बोल दिया था कि 3 मैच हो गए हैं, लेकिन अभी ये 3रा मैच है। हम लोग 8 ओवर का खेल रहे हैं, 8, 6, 7 ओवर का खेल रहे हैं, 5 ओवर के नीचे का नहीं खेल रहे, तो अभी ये 3रा मैच है। और आपको बताते हैं इसमें अभी तो टीम भी नहीं बटी है, लेकिन शुरू होने वाला तो आपको दिखाएंगे। गाइस अभी पहली इनिंग ख़त्म हो चुकी है 3रे मैच की और गाइस बहुत ज़्यादा रन का टारगेट मिल गया, इसलिए मैंने एक तो क्लिप भी नहीं बनाई क्योंकि टफ फील्डिंग करनी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा रन का टारगेट मिल गया। तो फिर आपको अपनी बैटिंग दिखाएंगे अभी 3रे मैच की। जल्दी निकल यार, चौथा मैच तो उसमें पार्टनरशिपिंग करके दिया। तो अभी मैं आपको घर पे मिलता हूँ, ये सब तफरियाँ कर रहे हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी लाइट नहीं है, कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैं अभी क्लिप्स देख रहा था कि कैसा हमने खेला, तो यार काफ़ी मज़ा आया। अभी ब्लॉग एंड नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं। आज के ब्लॉग को लगाते हैं यहाँ पे दी एंड, और आज के ब्लॉग में हम लोग पोलो ग्राउंड गए, पोलो ग्राउंड में खेला क्रिकेट, काफ़ी मज़ा आया, खेली क्रिकेट खेली काफ़ी मज़ा आया। जो आखिरी वाला मैच था ना उसमें काफ़ी मज़ा आया, जो आखिरी वाला मैच था उसमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि बहुत टफ हो गया था, इसलिए पार्टनरशिपिंग करनी पड़ी। 21 से 22 रन की पार्टनरशिपिंग करी हमने, पता नहीं अभी मुझे याद नहीं कितनी बॉलों में, तो इतना पता है 21 से 22 रन की पार्टनरशिप करी और मैच को निकाला ये। और सामने टीम वाले बहुत रो रहे थे और इतनी चिटिंग कर रहे थे गाइस जिसकी कोई हद नहीं, एक बीच में एक फटा भी हो गया हमारा, मेरी एज नहीं निकली थी लेकिन उन लोग ने बोला एज है। हम रुक जाओ गाइस, एक अम्मी मेरा बैट किधर है? तो गाइस अभी क्या बोलते हैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, तो फिर व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।